नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के अनदर एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 60वें एपिसोड के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में 61 नंबर के एपिसोड के सवालों को लेकर के हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल अपनी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि सार्वजनिक हैं, यदि कोई ऐसे सवाल हैं जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और आशीष शर्मा जी मुझसे कहते हैं कि वृश्चिक लग्न में नीच का चंद्रमा और नीच का मंगल का राशि परिवर्तन योग है तो क्या क्या फल होगा। देखिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि नीच राशि स्थित ग्रहों का यदि राशि परिवर्तन होता है तो कोई नीच भंग नहीं होता। हाँ, ये कोई बहुत खराब भी योग नहीं बनाता, लेकिन नीच भंग राजयोग भी नहीं बनाता। कहने का मतलब ये कि ये जो राशि परिवर्तन है नीच के ग्रहों का, ये किसी भी ग्रह को सामान्य बना देता है, न्यूट्रल बना देता है, ना उसे खराब रखता है ना उसे ज्यादा अच्छा रख पाता है। सामान्य ये योग है, सम योग है। अभिनव जी मुझसे कहते हैं सर सेवंथ लॉर्ड अगर टेंथ में प्लेस्ड हो तो क्या शादी के बाद जॉब मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। हाँ ये होता है, सेवंथ लॉर्ड टेंथ में हो, इलेवेंथ में हो, सेकंड में हो, नाइन्थ में हो, तो इससे क्या है भाग्य वृद्धि या फिर धन वृद्धि या फिर जॉब लगने के भी चांसेस बढ़ते हैं। ये बात सही है, फर्क पड़ता है। ज्योत्सना जी मुझसे कहती हैं प्रणाम गुरु जी। प्रणाम ज्योत्सना जी, वैसे मैं गुरु जी कहलवाना पसंद नहीं करता हूँ खुद को, लेकिन प्रणाम। मकर लग्न में फिफ्थ हाउस में शनि और राहु, आठवें हाउस में शुक्र, शनि के लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद और शुक्र के लिए जरगण धारण करना शुभ है क्या। देखिए इस तरह के मुझे कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये इस भाव में है, ये इस भाव में। देखिए ज्योत्सना जी के माध्यम से सभी को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप एक काम ये कीजिए कि आप अपने ग्रहों की पोजीशन देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ पर बैठे हैं। फिर इसी चैनल पर ढेर सारी सीरीज बनी हुई है, ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं। उस सीरीज में, उन वीडियोस में जाकर के आप ये समझने का प्रयास करें कि मेरा ग्रह अच्छा है या फिर वो ग्रह खराब है। जो भी इंडिविजुअली ग्रह, यदि मैं वीडियो में कह रहा हूँ कि खराब है, उस ग्रह का रत्न आप धारण ना करें। जो भी इंडिविजुअली ग्रह मैं कह रहा हूँ अच्छा है, उस ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं। क्योंकि एक एक करके मैं हर किसी को ये नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से कि आप कौन सा रत्न पहने कौन सा ना पहने, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चन के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा यहाँ पर। शाह रुचिर जी ये है मुझसे कहते हैं कि सर ट्वेल्थ हाउस में मून है, शनि से दृष्ट है, तो मून को क्या बली या पावरफुल बनाने के लिए क्या करें। देखिए ये भी वही बात हो गई कि ट्वेल्थ हाउस में मून है। मैं हमेशा कहता हूँ कुंडली के ट्वेल्थ हाउस में यदि कोई ग्रह है तो सामान्यतः वो अपने खराब फल देता है। विपरीत राज्यों की स्थिति हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः वो अपने खराब फल देता है। चूंकि मुझे नहीं पता कौन से लग्न की ये कुंडली है, लेकिन यदि मून ट्वेल्थ हाउस में तो सामान्य स्थिति यह बनेगी कि यहाँ पर खराब फल मून देंगे या चंद्र देंगे, और चंद्र का रत्न मोती धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ज्योत्सना जी मुझसे कहती है सर नमस्कार। नमस्कार ज्योत्सना जी। शनि की महादशा में अंतरदशा के सभी ग्रह अगर कुंडली में शुभ हो तो क्या पूरी महादशा अच्छी जाएगी या फिर भी आधी महादशा ही अच्छी जाएगी। ज्योत्सना जी ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। किसी की भी कुंडली ऐसी तो नहीं होगी जिसमें एक भी ग्रह खराब ना हो, क्योंकि हर लग्न का अपने अपने एक मारक ग्रह कुछ होते हैं। मारक ग्रह यदि कुछ होते हैं तो वो जहाँ बैठते हैं वहाँ खराब फल भी देते ही हैं। तो ऐसे तो वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि भाई सारे ही ग्रह अच्छे हैं, मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और शनिदेव भी अच्छे हैं ये भी मान लेते हैं, उनकी महादशा चल रही है। तो भी कुछ महादशाएं, कुछ अंतरदशाएं ऐसी होती हैं जो प्रॉब्लम ही देती है, जैसे शनि में सूर्य, शनि में चंद्र, ये महादशा अंतरदशा आएगी तो इसने समस्या ही देने हैं, चाहे चंद्र सूर्य या शनि का स्थिति कैसा भी हो। विजय माने जी मुझसे कहते हैं आठवें भाव में चंद्र और मंगल एक साथ मीन राशि के साथ हैं तो क्या महालक्ष्मी योग बनता है क्या। विजय जी बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया, एक नहीं इवन 13 वीडियोस मैंने बनाए हैं महालक्ष्मी योग पर, ये पूरा सीरीज है एक,
उसमें मैंने यही बताया कि कुंडली के आठवें भाव में महालक्ष्मी योग नहीं बन सकता। नमस्ते सर, राजेश जी, राजेश झंवर जी कहते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते राजेश जी। किसी व्यक्ति की कुंडली विश्लेषण करते हुए उस व्यक्ति के बच्चे और उसके माता पिता और पत्नी की कुंडली भी देखना जरूरी है क्या, प्लीज बताएं। राजेश जी, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप उनका कुंडली देखें, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति ने कहा मैं क्या बिजनेस कर सकता हूँ, हम उसकी पर्सनल कुंडली देख करके कहते हैं नहीं भैया, आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहता है सर मैं तो अधड़ावस्था में हूँ, कहने का मतलब मैं 50 साल की उम्र में हूँ, 51 साल की उम्र में, अब नौकरी कहाँ मुझे मिलेगी। फिर हम देखते हैं उसकी कुंडली में कि क्या उसकी पत्नी के नाम से या उनके बच्चों के नाम से वो व्यवसाय कर सकता है व्यक्ति। यदि हाँ तो फिर जिनके नाम से कर सकता है उनकी कुंडली कभी कभी हम बुलवा लेते हैं और फिर उनको वो सजेशन दे देते कि करना चाहिए या फिर नहीं। तो इस तरह के कुछ केस बनते हैं जहां पर हमें कुंडलियां देखनी पड़ती है, लेकिन हमेशा नहीं, ये केस बहुत कम बनते हैं। स्मिता कुलकर्णी जी कहती हैं, नमस्ते सर। नमस्ते स्मिता जी। कर्क लग्न में सूर्य मारक होते हैं और धन भाव के मालिक भी होते हैं, सही बात है। यही सूर्य उठकर 12वें भाव में आके बैठ गए तो क्या होता है, और उपाय भी बता दीजिए। स्मिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, कुंडली के सेकेंड हाउस, चाहे वो सूर्य हो, आपने कर्क लग्न की बात की, मैं सार्वजनिक बात करूंगा, कुंडली के द्वितीय भाव का स्वामी यदि कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बैठता है तो द्वितीय स्थान है धन स्थान, 12वां स्थान है खर्च का स्थान। तो धन को उठा करके खर्च में रखा मतलब लॉस, सेविंग होना ही नहीं है, खत्म हो गया। आप ये समझिए तिजोरी को खुला रख दिया चोरों के सामने, वो निकाल के ही जाना है कि तिजोरी को खाली ही करना है, ऐसी स्थितियां बनती है। अभी क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर ना उपाय के तौर पर ये करना चाहिए कि जो ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं उसके लिए मैंने उपायों के सीरीज में जो बताया है उस तरह से कीजिए। जैसे आपने सूर्य की बात की, मैं सूर्य का उदाहरण देकर के आपको समझा देता हूँ। उपायों का सीरीज इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, उसमें लगभग 9 वीडियोज आपको मिलेंगे, उसका नाम ही है सभी ग्रहों के उपाय, इस नाम से वो सीरीज मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। उसमें सूर्य का वीडियो में आप जाइए, सूर्य के वीडियो को ओपन कीजिए, उसमें जो जो आपको बताया गया है, चाहे मंत्र हो, चाहे दान हो, चाहे डूज एंड डोंट्स हो, वो आप कीजिए, वो आपके सूर्य का उपाय होगा। लेकिन आपका सूर्य नहीं है, कोई और द्वितीय स्थान का स्वामी है, धनेश है, जो 12वें स्थान पर जाकर के बैठा है, तो उस ग्रह का वीडियो देखिए और उस ग्रह के जो उपाय मैंने बताया वैसा कीजिए। तो ये खराब ही फल देता है हमेशा, धनेश का 12th हाउस में बैठना। शनिदेव की दशा में ये हो जाता है, जैसे मकर लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली में द्वितीय स्थान के मालिक शनिदेव हो जाते हैं। अब ये लग्नेश जो है वो धनेश हो जाते हैं, और वो भी 12th हाउस में जाकर के यदि गलती से बैठ गए, कई बार ऐसा होता है, तो भी इसी तरह की स्थितियां बनती है। तो चाहे कोई भी ग्रह 12th हाउस में बैठे, खराब ही फल देना है, और धनेश बैठे तो उसने तो धन को खत्म कर देना है, तो उपाय करना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने सवालों को लिया है, इन सवालों के जवाब मैंने आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।